हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगी एंड दिस इज माय अनदर राइड। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जरीब चौकी चौराहे से लेके हमीरपुर तक। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे भाई और उसके एक फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड्स हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। अभी हम रिफ्यूल कराने आए थे विजयनगर चौराहा। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और हम बढ़ते हैं हाईवे की तरफ। हमीरपुर की तरफ हमने नौबस्ता चौराहे से राइट ले लिया है। हम हमीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही स्पॉट है जहां से मैंने अपनी घाटमपुर राइड स्टार्ट करी थी, भीतरगांव राइड। स्पीड से चलेंगे, भगाने से कोई मतलब नहीं है। अभी 45 है। मेंटेन रखो।
वैसे सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं हमीरपुर रोड से कम 20 किलोमीटर शहर से आगे हूँ, दूर हूँ। इतना घोर सन्नाटा और उसके बाद कहीं कुछ नहीं, कोई सिंबल्स नहीं, कंप्लीट ब्लैंक बैक रोड। ये देखिए ये जनाब मस्ती करते हुए, बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए बिकॉज सीबीजी काफी पुरानी हो चुकी है, लगभग 7 साल पुरानी, तो उम्मीद करता हूँ कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी राइड अच्छे से हो। ये देखिए कानपुर में जानवरों का टहलना आम बात है, जैसा मैंने बोला था। हम रमाईपुर पहुंचने वाले हैं, हाय फ्रेंड्स, वी आर रीच घाटमपुर। हम शहर से लगभग 42 किलोमीटर आगे हैं और उसके बाद अभी 25 किलोमीटर और चलना है। अभी कुछ चाय ब्रेक मारना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये रहा नजारा और ये मैं उसको दिखा रहा हूँ एज अ व्यू। यहाँ पे हमने चाय मारी है, अब हम एक चीज दिखाना चाहते हैं आपको, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, और ये रहा न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो डीपीएस वालों, तुम्हारी बैंड बजने वाली है क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी नई फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घाटमपुर चौराहे पर हूँ और वो दोनों पंटर्स आ रहे हैं। अब हमने राइड, जो हमारी 25 किलोमीटर की राइड बची है, उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमीरपुर की तरफ बढ़ते हुए व्हाट अ व्यू, व्हाट अ मॉर्निंग व्यू, अच्छा लगता है फ्रेश एयर में बाइकिंग करते हुए। साइड से निकलो, साइड वाली से। ये हमारा टोल और ये रही हमारी टोल लाइट, फ्री टोल लाइट।
हट ही नहीं रहा साला। बबलिंग कर रहे हैं बिकॉज रोड भी ऊपर नीचे से ऐसे सेट हो रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लाइन देख सकते हैं आप, इससे आपको पता चल जाएगा कि रोड मेल्ट हुई है गर्मी की वजह से। हम यमुना नदी पे पहुंच चुके हैं, मेरा टायर हल्का सा बबलिंग कर रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है। टायर पंचर है, देखो क्या। ये है यमुना नदी का व्यू जो हमीरपुर के पास से बहती है, और मैं यहाँ का व्यू दिखा दूँ आपको, कितना खूबसूरत व्यू है। और मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ वो वाइब्रेट कर रहा है, देखिए। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ क्लास व्यू। हेलो गाइस, जिसका डर था वही हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरी आरएस का टायर पंचर हो गया, ये देखिए। अब भाई इसको भर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और चलो जब कंप्लीट हो जाएगा तब देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वी आर रीच हमीरपुर। हमीरपुर में एक कल्पवृक्ष है जिसके इस समय हम मेन गेट पे खड़े हैं। अभी मैं अंदर जाऊंगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके बाकी चीजें आपको डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। मेरे पीछे यह रहा वो कल्पवृक्ष जो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ साथ ही है। इसकी मेनली खासियत यही है कि ये साल के कुछ ही महीने हरा भरा रहता है, बाकी महीने एकदम सूखा हुआ रहता है, इसकी पत्तियां भी नहीं आती। दूसरी खासियत ये है कि इसमें फूल पहले आता है, पत्तियां बाद में आती हैं। और तीसरी खासियत ये रही कि ये गणेश प्रतिबिंब माना जाता है और लोग इसकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं।